दस सूत्र की लगातार खबरों के बाद आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। एमपीपीएससी के ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंचभाई ने दस सूत्र के विशेष संवाददाता संजय गुप्ता से खास बातचीत में जरूरी जानकारियां साझा की हैं। एमपीपीएससी ने परीक्षा के लिए आवेदन की विंडो फिर से खोल दी है। जी हाँ, एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की विंडो एक बार फिर से खोल दी है, जिसकी औपचारिक सूचना भी जारी कर दी गई है। स्क्रीन पर आप वही सूचना देख रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि कुल 1669 पदों के लिए हो रही भर्ती परीक्षा के लिए यूजीसी नेट के रिजल्ट में पात्र घोषित और उम्र सीमा में 10 साल की छूट के दायरे में आ रहे उम्मीदवारों के साथ कोई भी पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन 5 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, जो 13 अप्रैल तक जारी रहेंगे। त्रुटि सुधार 15 अप्रैल तक कराए जा सकेंगे। एक जरूरी अपडेट ये भी है कि जो आवेदक पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ आयोग ने परीक्षा का संशोधित कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक पहले दौर में 9 जून को 8 विषयों की परीक्षा होगी, दूसरे दौर में 4 अगस्त को 8 विषयों की और तीसरे दौर में 17 नवंबर को 20 विषयों की परीक्षा ली जाएगी। इससे पहले भर्ती परीक्षा का पहला दौर 3 मार्च और अगले 2 चरण जून और नवंबर में प्रस्तावित थे, लेकिन इसके पहले ही ग्वालियर हाईकोर्ट में मामला जा पहुंचा, जिस वजह से 3 मार्च का चरण स्थगित हो गया। फिर कानूनी विवाद और लोकसभा चुनाव की वजह से जून और नवंबर के दौर भी स्थगित हो गए, लेकिन आयोग ने नए संशोधित शेड्यूल से हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है और यह दस सूत्र की लगातार खबरों का बड़ा असर है। और हम तमाम अभ्यर्थियों से वादा करते हैं कि चाहे एमपीपीएससी की भर्ती परीक्षाएं हों, कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाएं हों या सरकार की विभागीय परीक्षाएं, लगातार द सूत्र आपको अपडेट्स देता रहेगा और आपकी समस्याओं को लेकर लगातार सवाल उठाता रहेगा।